प्रधानमंत्री जी की देश के प्रति जो विजन है और सबके सामने है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। दुनिया किसी भी संकट के समय आशा भरी निगाहों से उनकी ओर देखती है। उनका नेतृत्व भारत के 140 करोड़ नागरिकों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का तो कारण बन ही रहा है। दुनिया के अंदर रह रहे 600 करोड़ से अधिक की आबादी के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का कारण बन रहा है, और यही कारण है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करती है, उन्हें सम्मान देती है। आपने अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के 3 देशों की यात्रा को देखा होगा, जब 19 मई से 24 मई के बीच 6 दिवसीय यात्रा में प्रधानमंत्री जी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए थे। उस दौरान आपने देखा होगा कि G7 से जुड़े हुए दुनिया के सभी बड़े देशों के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले। उस दौरान आपने देखा होगा कोई भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र अपने समकक्ष का सम्मान सामान्य प्रोटोकॉल और एक अभिवादन से करता है, लेकिन पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत प्रोटोकॉल तोड़ करके देर रात्रि में स्वागत के लिए स्वयं उपस्थित थे, और प्रधानमंत्री से जब मुलाकात किए तो पैर छू करके उनका अभिवादन करके उन्हें सम्मान देने का काम किया। भाइयों बहनों, पापुआ न्यू गिनी ने और फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि मोदी इज द बॉस, यानी मोदी हम सब के नेता हैं। यह मान करके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया, और अमेरिका जिसे हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मोदी जी हमारी इच्छा होती है आपका ऑटोग्राफ ले। भाइयों बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है। इस नए भारत के अनुरूप हम सबको भी बनना पड़ेगा, और देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के नगरीय जीवन के भाग्यदाता के रूप में जनता जनार्दन ने दायित्व आपको दिया है। एक बड़ा दायित्व है आपके ऊपर, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, और जितनी ताकत आपके पास है, महापौर के पास, चेयरमैन के पास, आपके बोर्ड के पास, मुझे लगता है इस ताकत का सही इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो एक लंबे समय तक आपका कार्यकाल स्मरणीय होगा लोगों के लिए, और उस कार्यकाल को स्मरणीय बनाने के लिए ही आपको एक दिवसीय कार्यशाला के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। आपने पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। हर एक क्षेत्र में देश ने प्रगति की है। पहली बार आपने देखा होगा इन 9 वर्षों में स्मार्ट सिटी का भी एक नया विजन देश को मिला। अमृत योजना के अंतर्गत हर बड़े शहरों में सीवर लाइन बिछना है, हर घर नल की योजना लागू होनी है, स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की एलईडी स्ट्रीट लाइट में बदलनी है, ये भी आपने देखा है। इन सब पर यहां विभिन्न सत्रों में चर्चा भी हुई होगी, लेकिन उन सब को मुझे लगता है कि आपको अपने नगरीय जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश को नगर विकास मंत्री जी जब यहां पर अपना उद्बोधन दे रहे थे, उन्होंने एक बात कही, पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी जिन्हें आप कहते हैं, ठेला, कोमचा, रेड़ी लगाने वाले, इन पटरी व्यवसायियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का जो कार्यक्रम है, कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने उनकी आत्मनिर्भरता के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया, और अब तक लगभग 12 लाख पटरी व्यवसायियों को अकेले उत्तर प्रदेश में ब्याज मुक्त ऋण मिला है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है।
आज नंबर एक का पुरस्कार उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग भारत सरकार से ले रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 12 लाख से अधिक तो मकान बन चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने अब तक जो मकान दिए हैं 17.5 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया है नगरीय क्षेत्र में, और अगर ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें जोड़ेंगे तो पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 54 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हुआ है। 54 लाख गरीबों को। आप सोचिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी, कैसे बेतरतीब होती थी। तो ठीक है, उसमें बहुत सारी जगह बिजली नहीं आती थी तो लाइट का कोई मतलब ही नहीं होता था, लेकिन जब 17 के बाद बिजली आने लग गई तो हम देखते थे कोई नीली है, कोई पीली है, कोई हरी है, कोई लाल है, कोई जलती थी, कोई नहीं जलती थी, कोई अचानक बिजली आई तो जैसे बिजली का एक झटका लगा उसी में जलती हुई अन्य लाइटों को भी बंद कर देती थी। आज ऐसा नहीं है, आज तो किसी भी नगर में आप जाएंगे, अब तो नगर ही नहीं, अब तो गांव में भी आप जाएंगे, जो नई नगर पंचायतें बनी होंगी वो किसी बड़ी ग्राम पंचायत को बना करके ही हम लोगों ने नई नगर पंचायत बनी है, वहां भी आप जाके देखेंगे तो एलईडी स्ट्रीट लाइट आपको दिखाई देगी, एक जैसी कलर की दुधिया कलर से चमकती हुई लाइट उस पूरे नगर की शोभा को बढ़ाती है। वह शोभा केवल उस नगर की नहीं बढ़ती है, उस नगर के नागरिकों की बढ़ती है। और दूसरा उसका लाभ क्या है, जब हम हेलोजन लगाते थे, बेतरतीब लाइट लगाते थे, वह लाइट बिजली ज्यादा खर्च करती थी, साथ साथ कार्बन उत्सर्जन भी करती थी, पॉल्यूशन होता था, एक वायु प्रदूषण। उस पॉल्यूशन आप किसी हेलोजन वाले स्थान पर रात्रि भर जो जलना हो और उसके नीचे थोड़ा आप खड़े हो जाइए एक समय, जब वो 3-4 घंटे जले और उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो बहुत वैसी स्मेल आती है, यानी आप कुछ देर आप वहां खड़े हो जाएंगे, ज्यादा देर खड़े हो जाएंगे आपको लगेगा मुझे झटका आ जाएगा, यानी आपको चक्कर आने लग जाएंगे, यानी एक प्रकार का गैस उत्सर्जित होता है और वह प्रदूषण का कारण है। एलईडी स्ट्रीट लाइट कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर ले जाने का कार्य करता है, बिजली की बचत भी होती है। और ये जो एलईडी स्ट्रीट लाइट हम लोगों ने नगरीय क्षेत्र में लगाए, इन नगरीय क्षेत्रों में जितनी भी एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाए इसमें नगर विकास ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया, बल्कि हेलोजेन को उतार करके एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई। 5 साल का रख रखाव की जिम्मेदारी भी उन कार्यदायी संस्था को दिया और कहा कि आपको पैसा वही मिलेगा जो इसके कारण बिजली की बचत होगी, उसी से आप पैसा कमाएंगे, उसके अतिरिक्त कोई पैसा नगर विकास नहीं देगा। भाइयों देखो, आपने देखा होगा ना कि आम के आम और गुठली के भी दाम हो गए, पैसा भी नहीं लगा, नगर अच्छा भी हो गया, प्रदूषण से मुक्ति भी हो गई और साथ साथ फ्री में आपकी एलईडी स्ट्रीट लाइट पूरे नगरीय क्षेत्र में हर जगह जगमगाती हुई दिखाई दे रही है। यह कार्य नगर विकास ने प्रारंभ किया और आज नगरीय विकास और अच्छा दिखाई देता है। आपने देखा होगा, दूसरा प्लास्टिक के खिलाफ अभियान। पहले होता क्या था, सुबह सफाई किया, थोड़ी हवा चली और पता लगा फिर कूड़े का ढेर कहीं दिखाई देने लगता, सड़क पे जगह जगह कूड़े का ढेर दिखाई देता था। नाली आप कितनी सफाई कर लो फिर से प्लास्टिक उड़ के आता था और नाली को चौक कर लेता था। आज ऐसा नहीं है, आज तो इसमें परिवर्तन दिखाई दिया है, आज नालियां काफी हद तक सफाई पे सफा साफ दिखती है, नगरीय क्षेत्र में कूड़े का ढेर नहीं दिखता है, गाय प्लास्टिक खाने से नहीं मरती है। जिन नगर निकायों ने प्रभावी क्रियान्वयन किया है वहां पर स्वच्छता भी उतनी अच्छे ढंग से दिखाई देती है। मुझे उत्तर प्रदेश के सभी नगर निकायों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं कह सकता हूं 2017 की तुलना में स्वच्छता का कार्यक्रम बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ा है, लेकिन उससे भी आगे के कदम के लिए हमें तैयार होना होगा, उससे भी आगे के लिए। और इसमें छोटे से परिवर्तन से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, खासतौर पर स्वच्छता मिशन के बारे में जो यहां पर बात हो रही थी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी को स्वच्छता कितनी प्यारी है,
अक्टूबर 2014 को जिस अभियान की शुरुआत की थी उसमें स्वच्छता अभियान की थी और उसमें स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर के उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और हमारा प्रयास भी होना चाहिए। हम अपने घर को अच्छा रखते हैं, अपने नगर को अच्छा रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये हमारी होनी चाहिए। जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं ऐसे ही अपने नगर को भी हम साफ सुथरा करें। यह काम महापौर का भी है, चेयरमैन का भी है, पार्षद का भी है। जो अधिकारी है वे उनका सहयोग करेंगे, वे उनका सहयोग करें। पहली प्राथमिकता स्वच्छता का होना चाहिए, स्वच्छ हमारा नगर साफ हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो, कूड़े का ढेर कहीं नहीं दिखना चाहिए। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, इससे पहले जनता जगे उठे तब तक कूड़ा साफ। साथ साथ हमें नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता कमेटी का गठन भी करना चाहिए, वार्ड वाइज मोहल्ला कमेटी, मोहल्ला स्वच्छता कमेटी। मोहल्ला स्वच्छता कमेटी का काम क्या होना चाहिए, वह लोगों को बताएं घर का कूड़ा घर के ऊपर से सीधे फेंक करके नाली को निशाना लगा करके न फेंके, बल्कि घर का कूड़ा जब लाते हैं इकट्ठा करिए और जब अपने घर में ही एक डस्टबिन रख ले और उसमें जैसे ही जब वहां पर कोई गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए आती है उसमें डालिए, या जहां कूड़ादान है वहां ले जाकर के आप डालेंगे, अच्छा लगेगा, एक सिस्टम के साथ आप जुड़ेंगे। लोगों को बताना पड़ेगा, अगर नगर को सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, जिन नगरों ने देश के अंदर स्वच्छता के मानक स्थापित किए हैं वहां पर नगर निकाय के बोर्ड और प्रशासन, उससे जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं उनके साथ साथ आम नागरिकों को उसके साथ जोड़ने का जो कार्यक्रम हुआ, जब ये जन आंदोलन बना तब उन नगरों ने अपने को एक मानक स्थापित किया और यह नगरीय जीवन में स्वच्छता के मानक को स्थापित करने के लिए मोहल्ला स्वच्छता कमेटी का गठन करना, वार्ड स्तर पर कमेटी का गठन करना, नियमित रूप से उनके साथ बैठना, कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन कर रहा है तो उसके साथ संवाद बनाना और फिर एक बार दो बार बातचीत करने के बाद नहीं होता तो चेतावनी दिलवाना और तीसरी बार फिर उसको फाइन करवाना। ये कुछ कार्यक्रम चलेंगे, पहला संवाद का हो, फिर चेतावनी का हो और तीसरी बार दंडित करने का हो, फाइन हो उसमें भाई इन्होंने ये किया है, गंदगी फैलाई है, जानबूझ के गंदगी फैला रहे हैं, हमारे नगर को गंदा कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमारी होनी चाहिए। स्वच्छता के कार्यक्रमों को आपने बढ़ाया आगे तो आपको यह भी देखना चाहिए कि लोगों की आवश्यकताएं क्या है, लोग क्या चाहते हैं। हर घर नल सरकार भी इस कार्यक्रम को ले रही है, पर्याप्त पैसा दे रही है और मैं चाहूंगा हर नगर निकाय को अपनी कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए, शुद्ध पेयजल पाइप पेयजल की योजना लागू रखो। लेकिन साथ साथ लोगों को हम आदत भी डालें कि पानी की उतनी ही खपत करें जितनी आवश्यकता हो और फिर यूजर चार्ज देने की आदत भी डालें। यूजर चार्ज अगर वो देना शुरू करेंगे, आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फोन का बिल जमा करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करेंगे उसके बाद कहेंगे कि साहब हम नहीं पैसा देंगे तो स्वयं ही आपका फोन काट देगा, आगे आप फोन ही नहीं कर पाएंगे, तो सुविधा जो आपके पास है उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। यूजर चार्ज की आदत डालनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा और हर व्यक्ति इसको करना प्रारंभ कर देगा, इस प्रयास के साथ आगे बढ़ना। स्वच्छता के बाद शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, आपको यह भी व्यवस्था करनी चाहिए कि कहीं भी सड़कों पर अतिक्रमण न हो, आपका नगर सुगम यातायात की दृष्टि से अच्छा नगर निगम, अच्छा नगर निगम, अच्छा नगर पालिका, अच्छा नगर पंचायत दिखाई दे। इसके लिए स्ट्रीट वेंडर पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित पुनर्वास करना, जो खाली जमीन हो वहां पर उनका पुनर्वास करना, उनके लिए छोटे छोटे वहां पर दुकानें उनके लिए बनवा करके देना उनको देना, या ठेला बना करके उनको देना कि भाई देखो आप यहीं पे रहेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे, सड़क पे नहीं लगाएंगे। रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड,